मैच नंबर 19 ऑफ एशिया कप 2022 खेला जाएगा इंडिया वुमेन वर्सेस थाईलैंड वुमेन। ये मैच काफी एक्साइटिंग होगा क्योंकि इंडिया ने 5 मैचेस खेले टूर्नामेंट में, सिर्फ एक मैच गवाया वर्सेस पाकिस्तान। थाईलैंड ने भी 5 मैचेस खेले, 2 मैचेस गवाए, पर थाईलैंड ने पाकिस्तान को हराया और इंडिया सिर्फ एक मैच हारा है वर्सेस पाकिस्तान। तो इस मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी इंडिया वर्सेस थाईलैंड। कौन बाजी मारेगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, पर अभी हम बात करते हैं कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है दोनों टीम्स का, और मैं आपको बताऊंगा माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जिससे आपका मैच देखने का मजा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से और देखते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। तो दोनों टीमों ने अभी तक एक मैच खेला और उस मैच में इंडिया ने बाजी मारी है और मैच खेला गया था न्यूट्रल वेन्यू पर। 2018 एशिया कप में दोनों टीमें आमने सामने थी जहां पर इंडिया ने थाईलैंड को हराया था 66 रन से। मैच खेला जाएगा सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ की पिच की बात करें तो ज्यादा बड़ा स्कोर बनेगा नहीं और हमने देखा है जिस भी टीम ने यहाँ पर पहले बैटिंग की है उसका रिकॉर्ड अच्छा है। Now let's talk about the milestones that these following players would achieve in this match. Smriti Mandhana is just one match away from appearing in 100 T20 matches. Harmanpreet Kaur is just 2 grabs away from completing 100 catches in international matches. T20 में 500 runs complete करने के लिए नटाया बुच्चतम को चाहिए 28 runs. Smriti Mandhana requires 5 fours to complete 754s across formats. Now it's time for the most interesting part of the video, players battle. Natkam Chantham versus Pooja Vastrakar. जब भी ये दोनों एक दूसरे के सामने T20 में हुए तो एक बार पूजा वस्त्रकर का था बेस्ट रन अपर। नरुमल चाईवाई वर्सेस हरमनप्रीत कौर। T20 में एक बार हरमनप्रीत कौर ने नरुमल चाईवाई को पेविलियन का रास्ता दिखाया। स्मृति मंधाना वर्सेस नटाया बुच्चतम। T20 में एक बार नटाया बुच्चतम ने स्मृति मंधाना का विकेट लिया है। और अब देखते हैं टीम इंडिया का प्रोडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसे है। शिफाली वर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे कैप्टन स्मृति मंधाना, फॉलोड बाय जमीमा रॉड्रिक्स या फिर दयानंद हेमंता, इन दोनों में से कोई एक होगा प्लेइंग 11 में। उनके बाद नंबर आता है सबिनिनी मेघना का, रिचा घोष, किरण नवगिरे, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, स्नेह राणा, रेणुका सिंह या फिर मेघना सिंह, इन दोनों में से कोई एक होगा प्लेइंग 11 में। और लास्ट में राजेश्वरी गायकवाड। इंडिया के बाद सीधा चलते हैं थाईलैंड की तरफ और देखते हैं थाईलैंड का प्रोडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है। ननापट कोंचिरंकी के साथ ओपनिंग करेंगे नटकम चंदम, फॉलोड बाय नरिबुल चाईवाई, उनके बाद नंबर आता है चनिता सुथिरंका, फिर आएंगे रोशन कनो, परीता माया, सोनिन टिपोज, नटाया पुचतम, फॉलोड बाय अनिचा कॉमचंपू, भनिता लिप्टना और लास्ट में थिपचटा फुटवॉन्ग। तो गाइस मैंने आपको बताया हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, माइलस्टोन्स, प्लेयर्स बैटल, पिच रिपोर्ट। आपको क्या लगता है इस मैच में कौन बाजी मारेगा, इंडिया या फिर थाईलैंड? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करने से बिल्कुल मत शर्माना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो क्योंकि हम चाहते हैं जो भी अपडेट्स आए वो आप तक पहुंचे सबसे पहले बिना किसी रुकावट के। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो फेसबुक पर तो हमें लाइक करना, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करना क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। पर आपको अपडेट्स का एक और जरिया बताऊं, टेलीग्राम पर जाकर हमें ज्वाइन करो। फिर देखो मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।